सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने नगर पालिका जन समस्याओं का निवारण शिविर लगाया। करीब 300 से अधिक नागरिकों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं कई समस्याओं का निराकरण विधायक द्वारा तुरंत करने का प्रयास किया गया और अपने कार्यकर्ताओं अधिकारियों को आदेश देकर हितग्रहियों के घर भी भेजा। जब एक महिला ने विधायक उमाकांत शर्मा से कहा कि मेरी पेंशन आती, इस पर विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि अगर 64 वर्ष की आयु है तो आज ही लागू होगी। इसके बाद विधायक द्वारा वृद्ध महिला के दस्तावेजों की जांच संबंधित अधिकारी से कराई। वृद्ध महिला पात्रता में आई तो विधायक ने मौके पर ही पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश दिए। नगर पालिका के कई विभागों के कर्मचारी अधिकारी मौके पर नहीं पाए गए, जिसके बाद विधायक ने नाराजगी जताते हुए इन पर कार्रवाई करने का भी कहा। विधायक उमाकांत शर्मा द्वारा मवेशियों के लिए कोई सरकारी भूमि देखकर एक ही जगह सभी मवेशियों को एकत्रित करके जन सहयोग से गायों के लिए चारे की व्यवस्था करने को भी कहा गया। इसके अलावा नगर पालिका से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतों एवं समस्याओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ करने की योजना बनाई। वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी एक नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर सूचना देने पर नगर पालिका कर्मचारी संबंधित के घर पहुंचकर आवश्यक कागज एकत्रित करके निशुल्क रूप से मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करके घर पर ही भेजने की व्यवस्था बनाई जाएगी। वहीं विधायक ने सख्ती से सभी जन समस्याओं में आए व्यक्तियों से कहा कि किसी को एक रुपया देने की कोई भी काम के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो तुरंत इसकी शिकायत करें। अधिकारियों को भी फटकार लगाते हुए नागरिकों की जन समस्याओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने को कहा। वहीं अशोक जैन खर्चा द्वारा एक बार फिर तालाब के सीमांकरण का मुद्दा उठाया गया, जिस पर विधायक ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द तालाब को अतिक्रमणकर्ताओं से मुक्त कराया जाएगा। वहीं विधायक द्वारा सिंचाई विभाग के अधिकारी को भी निर्देश दिए गए कि जो डैम में अतिक्रमण है उन अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जाए एवं पानी की समस्या अब बिल्कुल भी कम नहीं आना चाहिए। 94 में रजिस्ट्री हुई, अभी तक नामांकन, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ही नामांकन। जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें नगर पालिका के 143 आवेदन मिले और अन्य विभागों सहित कुल 223 आवेदन मिले। कई माता बहनें और खासतौर से प्रधानमंत्री आवास आदि के लोग परेशान थे और उनको सूझबूझ ये नहीं पड़ती थी क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए हमने आज निर्णय लिया कि गुरुवार तक प्रधानमंत्री आवास का जितने मामले पेंडिंग हैं उनकी यथा स्थिति बताई जावे और उनका निराकरण किया जाए। आज हमने मौके पर भी वृद्धावस्था पेंशन और अन्य पेंशन दो चार प्रखंड नामांतरण का है उसके भी निपटाए। इसके अलावा लगभग 45 प्रखंड जो संबल के अंतर्गत पंजीयन होता है उनके यहाँ कोई गुजर जाए जिम्मेदार व्यक्ति तो 2 लाख रुपए मिलते, उसमें भी लोग प्रवृत्ति के ये क्यों नहीं मिल रहे। अभी शासन से बजट नहीं आया है, इसलिए उनका जैसे ही आएगा भुगतान हो जाएगा। जनता की और नगर पालिका परिषद की दूरी कम हो, गुणवत्तापूर्ण काम हो, रोलपुरा से लेके अपने हाई स्कूल तक की सड़क का घटिया निर्माण हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जांच करा के ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और नगर पालिका का कुछ दिन से ऐसा माहौल बन रहा है, कई CMO बदल चुके हैं, कई अधिकारी बदल चुके हैं, कई स्थान रिक्त हैं, जब प्रशासन ठीक नहीं चल रहा। मैंने SDM साहब से भी कहा है कि आप कम से कम सप्ताह में 2 दिन वहाँ बैठें और जनता की समस्याओं का निराकरण करें। मैं भी वहाँ समय दूंगा। मैं अध्यक्ष की उपाध्यक्ष की और सभी पार्षदों से निवेदन करता हूँ, जनता ने अपने इसलिए विजयी बनाया था कि हमारी जनता की सहूलियत बढ़े, जनता की बात सुनी जाए। हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी जिस ढंग से जनता की समस्याओं का निराकरण करते हैं हम भी उनके मार्गदर्शन के अनुसार करें। इसलिए हम सिरोंज नगर पालिका की व्यवस्था सुधारने के लिए आज ये श्री गणेश किया। किसी पर रहम नहीं करना चाहिए। भवन एक बार बनता, भवन खराब बन जाएगा
फिर पैसा कहाँ से आए, इसलिए गुणवत्ता बनाए रख। इसके अलावा आज हमने मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में SDM साहब और नगर पालिका सीओ साहब ने निर्णय लिया पार्षदों की सहमति से, अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष जी की सहमति से, कि मृत्यु प्रमाण पत्र घर बना के दे के आएंगे। और कम से कम अमृत सरोवर जब बन रहा था तो मैंने स्थानीय अपने जनपद सीओ से कहा था कि इनकी गुणवत्ता पर ध्यान रखें, और अमृत सरोवर में बड़ी बड़ी लागत लगी और बगैर अनुमान के और बगैर गुणवत्ता के निर्माण किए। इसके लिए मैंने जिला सीओ को पत्र लिखा है, अधिकारियों को चर्चा कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब उनसे ये कह, एक अधिकारी ने ये कह दिया मुझे बिठा रखा का अर्थ होता है मतलब जबरन बैठा हूँ, काम नहीं कर रहा। ऐसे ही कुछ लोग यहाँ उपस्थित तक नहीं हुए। इन सब के खिलाफ अनुशासनहीनता की नियमानुसार विधि अनुसार जो कार्रवाई होती है करवाएंगे, और नगर पालिका की जनता की सुनवाई हो नगर पालिका में, इस हेतु हम पूरा परिश्रम करके आप सबके योगदान से सुधार लाएंगे। मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं, चिरौंज में 3 गौशालाएँ और तीनों गौशालाओं में जितनी क्षमता शेड की है, पानी और भूसा की है, उससे ज़्यादा गाय रखी। लेकिन हम ऐसा विचार करेंगे, सार्वजनिक राजनीतिक और पत्रकारों के गणमान्य नागरिकों के साथ बैठेंगे, अपन एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि एक शेड अपन बना दें, रात्रि में गौ वहाँ विश्राम करें, दिन में चलने के लिए जाएँ, और जो इधर उधर हर कहीं घास डालती है वो उस स्थान पर आकर घास डालें। अगर इसमें सबकी सहमति बनेगी तो अपन ये व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे।